नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए डेट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में ऑनलाइन प्रवेश हेतु गठित समिति द्वारा शासन से प्राप्त पत्र एवं प्रवेश मार्गदर्शिका तथा अकादमिक कैलेंडर के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत अनुशंसा को मान्य करते हुए संबद्ध महाविद्यालयों एवं शिक्षण विभाग में नियमित स्नातक प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में पंजीयन एवं प्रवेश हेतु निम्नानुसार समय सारणी घोषित किया जाता है। दोस्तों, जो विद्यार्थी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी अभी 12वीं पास किए हैं और फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तथा जो विद्यार्थी सेमेस्टर पद्धति में अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सूचना जारी किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 16/6/2022 से 30/6/2022 तक आप ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके लिए 1/7/2022 से 2/7/2022 तक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। प्रथम मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा, इसमें आप 7/7/2022 तक एडमिशन ले सकते हैं और अपने महाविद्यालय में शुल्क भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सभी विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, इसके बाद भी यदि सीट बच जाता है तो आपके लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और यहाँ पर इसके बाद द्वितीय मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर डेट दिया गया है, जिसका डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी हो जाने के बाद भी यदि आपके महाविद्यालय में सीट बच जाता है तो इसके लिए तृतीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। दोस्तों, यदि प्रथम चरण के एडमिशन में आपके महाविद्यालय में सीट बच जाता है तो इसके बाद द्वितीय चरण में आपके लिए एडमिशन पोर्टल को दोबारा से ओपन किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट यहां पर दिया गया है 21/7/2022 से 31/7/2022 तक। इसके बाद आपके लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जो प्रथम चरण में मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी द्वितीय चरण में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण कराया जाएगा। दोस्तों, इसका जो डेट है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डेट, मेरिट लिस्ट जारी करने का डेट और एडमिशन लेने का डेट यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सभी डेट को मैं बारी बारी से बताऊंगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए शॉर्टकट में मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, आपका जो एडमिशन है मेरिट लिस्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। जैसा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम फर्स्ट आता है तो आपको पहले एडमिशन लिया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम लास्ट में है तो आपको लास्ट में ही एडमिशन लिया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें ₹50 चार्ज देना होगा। इसी प्रकार दोस्तों, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन लेवल में सेमेस्टर पद्धति में अपना स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन का जो डेट यहां पर दिया गया है 16/6/2022 से 30/6/2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी सेमेस्टर पद्धति में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको प्रवेश परीक्षा देना होता है। तो दोस्तों, आप जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपके लिए डैशबोर्ड पर सूचना जारी किया जाएगा 1/7/2022 से, और प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर डेट दिया गया है 3/7/2022। समय रहेगा दोपहर 12 बजे। यहाँ पर स्थान भी दिया गया है अटल भवन, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट का डेट दिया गया है, काउंसिलिंग के लिए डेट दिया गया है, जिसका डिटेल आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन सेमेस्टर पद्धति में करना चाहते हैं, उनके लिए जो शुल्क लगेगा ऑनलाइन माध्यम से ही आपको पे करना है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में अपना एडमिशन लेने से पहले इस नोटिफिकेशन को आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो क्लिक करके डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में एडमिशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके बारे में आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।